ओम शांति। आज 15/7/2024 15 जुलाई 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, देह अभिमान आसुरी करैक्टर है, उसे बदलकर दैवी करैक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। देह के बांध में रहना आसुरी करैक्टर है, आसुरी चरित्र है, उसको बदलकर बाबा कहते हैं दैवीय गुणों को धारण करो तो रावण माना पांच विकारों की जेल, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की जेल से छूट जाएंगे। प्रश्न है, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है और उससे बचने का साधन क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है और उसका आंसर बाबा ने दिया कि हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो उत्तर है, हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण के जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। शिव बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने, इससे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। बाबा कहते हैं हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में काटते हैं। जब गर्भ में आत्मा होती है तो कहती है बाहर निकालो बाहर निकालो, 9 महीने उल्टे लटक कर अंधेरे में रहते हैं। दूसरा रावण की जेल में, ये कलयुग है ही रावण की जेल, तो बाबा कहते हैं इसमें भी अनेक प्रकार के दुख, कभी इससे दुख, कभी उससे दुख, कभी रिश्तों से दुख, कभी संबंध से दुख, कभी धन से दुख, किसी न किसी तरीके के दुख उठाते हैं। अब शिव बाबा आया है हमें सुख भरी दुनिया में, सतयुगी दुनिया में ले जाने, सुख में ले जाने, तो तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने, इससे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो, माना अपनी दृष्टि को अपने संकल्पों को पावन बनाओ। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है, अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातों को सुनकर अंदर में जलना नहीं है, ईश्वरीय मत ले लेनी है। दूसरा, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, फ़ायदा नुकसान इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को ख़त्म करना है। शिव बाबा जो सुनाते हैं उसे कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं है। बाबा कहते हैं कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पर आकर अपनी स्थिति खराब नहीं करनी। किसी ने कहा आपके लिए तो कोई ऐसा कह रहा था, तो उससे क्या होता है अपनी स्थिति खराब हो जाती है, तो वो नहीं करनी, अंदर से सफाई रखनी है। कोई भी झूठी बातें सुनकर स्वयं को परेशान नहीं करना, ना दुख देना ना दुख लेना है। वरदान है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातों तो अनेक आनी ही हैं, होनी ही हैं, चाहे हम स्वयं के द्वारा, चाहे औरों के द्वारा, चाहे माया के द्वारा बातें आती रहेंगी, प्रकृति के द्वारा भी बहुत पेपर आएंगे, बहुत परीक्षाएं आएंगी, सब प्रकार की परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही है, लेकिन स्व स्थिति शक्तिशाली है, लेकिन स्वयं की स्थिति शक्तिशाली है, तो पर स्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। क्या करना, सिर्फ हर कर्म करने से पहले अपने आदि, आदि में मैं आत्मा क्या थी, आदि में सतयुगी दुनिया को याद करना, मध्य में द्वापर में पूज्य स्वरूप में, और अंत में बाबा से ज्ञान सुनकर हम क्या कर रहे हैं, क्या बन रहे हैं, बाबा हमें क्या बना रहा है, कहाँ ले जा रहा है बाबा हमको। तो अपने आदि जब मेरे दुनिया का प्रारंभ हुआ था तो कितनी सुखमय दुनिया थी, सतयुग त्रेता को याद करेंगे, मध्य में पूज्य स्वरूप को याद करेंगे, और अंत में इस समय हम याद करेंगे जब बाबा हमको ये ज्ञान सुनाकर फरिश्ता बना रहा है। समझ कर फिर कुछ भी करो, शक्तिशाली बनकर परिस्थितियों को पार कर लोगे। जब अपने आदि मध्य अंत याद रहेगा तो कैसी भी परिस्थिति होगी उसको पार कर लेंगे। स्लोगन है, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना संगम युग का फल है, संगम युग की प्रारब्ध है। आज के मूल्य से सम्मान का अभ्यास करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तीनों कालों को जानकर, अपने आदि मध्य स्थिति को जानकर, शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर इसका अभ्यास करेंगे। एक मिनट के लिए शक्तियों के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे।
मैं विघ्न विनाशक आत्मा, विघ्नों को विदाई देने वाली, विघ्नों को समाप्त करने वाली मैं विजयी आत्मा हूँ। मेरी विघ्न विनाशक गणेश के रूप में इस संसार में पूजा हो रही है। सभी भक्तगण विघ्नहरो देवा कहकर पुकारते। मैं विघ्न विनाशक गणेश शिव पिता से शक्तियां लेकर उन सभी आत्माओं के विघ्नों को दूर कर रही हूँ। उनके विघ्न दूर हो रहे हैं, समस्याएं दूर होती जा रही हैं। सर्वशक्तिमान शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। मैं निर्विघ्न आत्मा, मैं आत्मा अपनी निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहकर अपने हर कदम में सफलता का अनुभव करती। मैं आत्मा अपने स्वयं के और संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं के विघ्नों को दूर करने के लिए समर्थ बनती जा रही हूँ। परमात्मा शिव विवाह से मुझे शक्तियों का वरदान मिल रहा है। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ।